हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के सामने वॉशिंग मशीन और फ्रिज का और एसी का काम करने का सामान आप लोगों को क्या क्या चाहिए इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना। हम अभी फर्स्ट टाइम देखेंगे आप लोगों को जो फ्रिज का कैपिलरी पाइप करने के लिए आप लोगों को इस कटर को इस्तेमाल करना है। यह बहुत अच्छा है। आप लोगों को इस कटर को तार भी काट सकते हो। ये आपको मार्केट में मिलेगा आप लोग करीबन 60 रुपीस में मिलेगा, 60 में मिलेगा ये मार्केट में। अभी हम दिखाएंगे इस मीटर को, इस मीटर का कीमत मैक्सिमम आप लोगों को मार्केट में मिलेगा 1000 में मिलेगा। इस मीटर का काम है आप लोगों को, इस मीटर से आप लोगों को कोई भी चीज़ देख सकते हो, कौन सा चीज़ ख़राब है क्या है। आप लोगों को इस आकर आप लोगों को कंप्रेसर भी चेक कर सकते हो। आप लोग इसमें कंप्रेसर भी चेक कर सकते हो। करीबन आप लोगों को इस चीज़ का कीमत होगा 1000। आप लोगों को वेल्डिंग करने के लिए, फ्रिज में वेल्डिंग करने के लिए ये टॉर्च चाहिए आप लोगों को, इसकी कीमत होगा मैक्सिमम आप लोगों को 400 होगा। आप लोगों को वेल्डिंग करने के लिए आप लोगों को एलपीजी गैस चाहिए, इसकी कीमत 150 होगा। ये वेल्डिंग करने के लिए लगता है और आप लोगों को वेल्डिंग करने के लिए ये वेल्डिंग स्टिक होना चाहिए आप लोगों को। ये मैंने एक कॉपर स्टिक लिया था 25 रुपीस में। आप लोगों को वेल्डिंग करने के लिए आप लोगों को ये मतलब एल्युमिनियम से आप लोग कॉपर पाइप जोड़ने के लिए आप लोगों को इस पाउडर को इस्तेमाल करना है। इस पाउडर का काम होता है आप लोगों को वेल्डिंग अच्छे से लगता है। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को ये 134 गैस है। आप लोग इस गैस की काम है आप लोगों को फ्रिज पर ठंडा लाता है। ये 750 ग्राम है। इसकी कीमत आप लोगों को मार्केट में मिलेगा 400 में मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को इस गैस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये इसमें गैस कितना है आप लोगों को दिखाता हूँ। वो 750 ग्राम है इसमें गैस। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को जो ये हथौड़ा, आप लोगों को हथौड़ा भी सही है एसी और फ्रिज एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए और काम करने के लिए। यह हथौड़ा सही है, इसकी कीमत 150 है। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को ये तापोड़िया टेस्टर। आप लोग इसमें लाइन चेक कर सकते हो। इसकी कीमत आप लोगों को 50 रुपीस में मिल जाएगा। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को गैस सर्च करने के लिए जो मीटर है, सिंगल प्रेशर मीटर ये है। मैंने इसको लिया था 700 रुपया में। आप लोग इस मीटर को यूज कर सकते हो, ये बहुत आसान मीटर है। आप लोग इसमें वैक्यूम भी कर सकते हो और गैस सर्च भी कर सकते हो। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को, मेरे पास अभी तो वैक्यूम मशीन मेरे पास नहीं है, वो काम पर मैंने छोड़ के आया है। अभी हम दिखाएंगे ये आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर, इसी तरह स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए आप लोगों को। वॉशिंग और फ्रिज पर एसी पर काम करने के लिए आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को फ्रिज पर काम करने के लिए पाइप जोड़ने के लिए इस तरफ आप लोगों को पाइप होना चाहिए। मतलब आप लोगों को जो पाइप मतलब
टूटा है, आप लोगों को इस पाइप से आप लोग जोड़ सकते हो। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को। सो फ्रिज पर गैस चार्ज करने के लिए गैस चार्जिंग वाल्व, ये आपका मैंने चार्जिंग वाल्व ये है, आप लोगों को ये मार्केट में मिलेगा, आप लोगों को 60 रुपीज़ में मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को चार्जिंग वाल्व चाहिए तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को कांटेक्ट दिला दूंगा, नंबर भी दिला दूंगा। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोगों को ये प्लास तापोड़िया का प्लास है, आप लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए। आप लोग इसको, इसका काम होता है आप लोगों को जब भी आप लोगों को कारण सोने के लिए, मतलब कुछ नाट इस्तेमाल टाइट देने के लिए ये आप लोगों को बहुत जरूरी है। आप लोगों इस ये प्लास से आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन की काम भी कर सकते हो। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को जो ये आपका नॉक प्लास है, ये आपको वेल्डिंग करने के लिए लगता है, और आप लोगों को कोई तार को खोलना है तो तार का जो क्लिप होता है ये खोलने के लिए आप लोगों इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये तापोड़िया का है। अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को, अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को ये आपका मशीन है, आप लोगों को स्क्रू टाइट देने के लिए आप लोगों को ये मशीन इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं ये मशीन इस्तेमाल करता हूँ स्क्रू टाइट देने के लिए। फिलहाल मेरे पास अभी वैक्यूम मशीन नहीं है, मैंने वैक्यूम मशीन काम पर छोड़ के आया है, इसलिए मैं आज आप लोगों को वैक्यूम मशीन नहीं दिखा सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को फुल जानकारी दे दूँगा।